नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाइक में परिवहन करते हुए पुलिस ने 40 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही रीवा जिले के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई बसना पुलिस ने की है। जानकारी के अनुसार परस्कोल चौक बंसुला के पास मोटरसाइकिल क्रमांक MP17 MY 2266 के बीच में दो सफेद प्लास्टिक बोरी रखे दो युवक जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार पुलिस वाहन को देखकर मोटरसाइकिल से उतरकर भागने लगे, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ा और भागने का कारण पूछने पर बाइक के बीच में रखे दो सफेद प्लास्टिक बोरी में गांजा होना बताया। पुलिस ने बाइक में रखे दो प्लास्टिक बोरी से 40 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा और बाइक जब्त किया। जब्त गांजा की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों आदर्श पटेल उर्फ उमेश पटेल, पिता राजेंद्र पटेल, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम गोपी, थाना मनगवा, जिला रीवा, हाल मुकाम ग्राम नवदिया, थाना देव तालाब, जिला मऊगंज, और संतोष साकेत उर्फ बिटाऊ, पिता कंताली साकेत, उम्र 40 साल, साकिन गोपी, थाना मनगवा, जिला रीवा के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।